नमस्कार, आप जो रहा छो समाचार सुपर फास्ट, आपनी साथे हूं छु विधाता। समाचारों की शुरुआत, राज्य सरकार की सिरामिक उद्योग ने मोटी भेट, सिरामिक उद्योग ने गैस बिल में मळशे 16% की राहत, सिरामिक उद्योग एक्सपोर्ट वधारी शकशे। राजकोट की चिरायु हॉस्पिटल ने मनपा की नोटिस, मंजूरी विना कोरोना की सारवार आपता आरोग्य विभाग की तपास में थयो खुलासो, मनपा चेकिंग दरमियान 15 दर्दियों मळी आव्या। वडोदरा में 10 सप्टेम्बर थी खुलशे बाग बगीचा, वडोदरा मनपा निर्णय, कड़क नियमों ने आधीन खुलशे बाग बगीचा, सवारे 6-10 और सांजे 4-8 सुधी खुला रहे गार्डन, तो गार्डन में फक्त पानी की बॉटल ज लई जई शकाशे। टीचर्स यूनिवर्सिटी प्रवेश प्रक्रिया खामीयुक्त होवानो आक्षेप कर्यो कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषीए, 50% ग्रांटेड बैठकों खाली रही, जारे के 59 सरकारी ग्रांटेड कॉलेजों की बैठकों रही खाली। गुजरात हाईकोर्ट ना जज ने कांग्रेस धारासभ्य निरंजन पटेल नाम नो बोगस फोन आम, त्यारे मामले आरोपी आगोतरा जामीन ना केस में सहानुभूति मेळववानो प्रयत्न करती माफी हाईकोर्ट की खंडपीठे फगावी। अमदावाद में जमालपुर एपीएमसी में 157 दुकानों 3 भाग में खुलशे, पहला दिवसे 57, बीजा दिवसे 53, तीजा दिवसे 51 दुकानों खुलशे, कोविड-19 की तमाम गाइडलाइन करवू पड़शे कड़क पालन। मुसाफरों ने मोटी राहत, अमदावाद भुवनेश्वर वच्चे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दौड़ा, यशवंतपुर बीकानेर साप्ताहिक अमदावाद स्टेशन ने थी पसार। राज्य में पासाना कायदा योग्य अमल न थत होवा हाईकोर्टे सरकार ने तेना योग्य अमल माटे निर्देश कर्यो। हाईकोर्टना सिंगल जजे 2015 में पासाना योग्य अमलीकरण अंगे सलाह आपी हती, परंतु आदेश पर सरकारे ध्यान नहोतुं आप्युं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता भरत पंड्या ने थयो कोरोना, यूएन मेहता होस्पिटल में दाखल, संपर्क में आवेला तमाम ने टेस्ट करावा अपील। अमदावाद ने सिविल होस्पिटल में दर्दी वीडियो वायरल, योग्य सारवार न मळती होवानो लगाव्यो आरोप, बबे कलाक सुधी कोईए पाणी पण न आप्युं अने कोई दवा पण न आपता होवाथी ठालव्यो रोष, डॉक्टर नर्स के वोर्ड बॉय न होवाथी हालाकी। समाचार सुपरफास्ट, वडोदरानी सयाजी होस्पिटलनी गंभीर बेदरकारी, कोरोनाथी मृत्यु पामेला दर्दीनी लाश सारवार विभागना पेस्टिजमां पड़ी हती, तो कलाको सुधी रझळती रहेली लाशने पीपीई किट पहेरावानी दरकार पण न रखाई। वडोदरानी सयाजी होस्पिटल अने पोलीसनी गंभीर बेदरकारी आवी सामे, 12 दिवस पहेला गुम थयेल आधेड़ महेश परमारनी लाश होस्पिटलना वोर्डमांथी मळी आवी, होस्पिटले महेश परमारने अजाण दर्दी तरीके वोर्डमां दाखल करी दीधो हतो। सोसायटी फ्लेट में माइक्रो कंटेनमेंट नियमों पालन नहीं थाय तो म्युनिसिपल चेयरमैन सेक्रेटरी सामे पुलिस फरियाद नोंधावाशे, सोसायटी दीठ कोविड कोऑर्डिनेटर नियुक्त करवानो रहेशे। अमदावादना एरपोर्ट एसटी स्टेशन बाद हवे रेलवे स्टेशन कोरोना केसनुं हब बन्यु, एक ज दिवस में 33 केस कोरोना पॉजिटिव आव्या, गोरखपुर राजधानी अने मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन में आवेला मुसाफरोनुं चेकिंग करायुं। कोरोना दर्दियों नाम जाहिर करने मांग साथ हाईकोर्ट में जाहिर हित की अरजी, अरजदार अतुल राजाणीए राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा कोरोना दर्दी नाम जाहिर न कराता हो जानव्यू। अमदावाद कालुपुर रेलवे स्टेशन पर राजधानी ट्रेन प्रवासियों टेस्टिंग कराया, जो कोरोना पॉजिटिव आने सार अर्थे खसेड़े तथा मुसाफरो अंतर जाए और मस्क पहरी राखे ती कराई अपील। अमदावाद में वधु 22 विस्तारों माइक्रो कंटेनमेंट जाहिर कर देवाया, 24 एरिया ने कंटेनमेंट में मुक्त कराया, जारे के कुल संख्या 382 ऊपर थी गई। कोरोना की गुजरात में सौथी वधु 5.60% मृत्युदर अमदावाद में, गुजरात 3% साथ सौथी वधु मृत्युदर धरावतु राज्य, तो कोरोना की दर्दियों साजा थवाना दर में महिसागर 97.40% साथ मोखरे, जारे अमदावाद 15 स्थाने। सूरत महुआ तालुकाना करचेलिया गामे कोरोना विस्फोट, जैन फड़िया में रेपिड टेस्ट में एक साथ 21 कोरोना केस बाहर आया, जैन फड़िया में कुल 43 केस नोधाया। मोरबीना पूर्व एमएलए जयंती कवाड़िया ने कोरोना पॉजिटिव आयो, जयंती कवाड़िया एक ट्वीट कर अंगे माहिती आपी, साथ संपर्क में आवेला लोकोने टेस्ट करावा अपील करी। वडोदरा पाणीगेट पुलिस स्टेशन में कोरोना केर वर्तायो, पाणीगेटना 5 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, अगाऊ रावपुरा पुलिस स्टेशन 9 कर्मचारी थया था संक्रमित। राज्य में कोरोना आंक फरी एक बार 1300 पार, 24 कलाक में 1330 नवा केस नोधाया, 15 लोगों मौत थया, राज्य में कोरोना 1,05,671 केस। अमदावाद में कोरोना 172 नवा केस नोधाया, तो 24 कलाक में कोरोना 3 दर्दियों मौत थया, शहर में 149 और ग्राम्य में 23 केस नोधाया। अमदावाद में कोरोना कुल 32,696 केस, 1738 मौत। सूरत जिले में कोरोना 286 नवा केस नोधाया, छेल्ला 24 कलाक में 6 दर्दियों मौत थया,
तो सूरत शहर में 175 और ग्राम्य में 111 नवा केस। सूरत में कुल 22623 केस, 668 दर्दियों ना मौत। वडोदरा में कोरोना 128 नवा केस नोंधाया, 2 दर्दियों ना मौत थया। जिला में कुल 9065 केस, 142 दर्दियों ना मौत। राजकोट में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 148 नवा केस नोंधाया, तो 1 दर्दी नुं मौत निपजू। राजकोट में कोरोना ना कुल 5812 केस, 102 दर्दियों ना कोरोना थी मौत। राजकोट महानगरपालिका की मुख्य बिल्डिंग में कोरोना जागृति माटे लाग्या बैनरो, तो जेमा मनपानी रेलिंग ने अड़वा सूचनों कराया। मुलाकाते आवनारा अनेक लोको माटे सूचनों। वलसाड में अत्यार सुधी नोंधायेला कुल केसों में सौथी वधु केस वापी में। संक्रमण ने अटकाववा घरे घरे सर्वे अभियान। वापी की आरती इंडस्ट्रीज की मेडिकल टीम पण वलसाड जिला आरोग्य टीम साथ सर्वे में जोड़ाई। गुजरात में चौमासानो वधु एक राउंड, 3 दिवस वरसाद की शक्यता। अत्यार सुधी मौसम 121% वरसाद नोंधायो। दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र अनेक जिल्ला में गाजवीज साथ पड़ी शके छे वरसाद। नर्मदा डेमनी सपाटी 136.34 मीटर पर पहुंची। उपरवास में पानी की आवक 63,789 क्यूसेक थता डेमना तमाम गेट बंद कराया, तो 4 पावर हाउस यूनिट द्वारा नदी में पानी की आवक 32,895 क्यूसेक नोंधाई। મહેસાણા, પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાને 3 દિવસ સુધી નહીં અપાય ધરોઈ ડેમનું પાણી। ટાંકીઓની સાફ સફાઈ કરવાની હોવાથી લેવાયો નિર્ણય। 366 ગામડા અને 9 શહેરોને થશે અસર। બનાસકાંઠામાં ગૌશાળાના સંચાલકોનું આંદોલન બન્યું ઉગ્ર। સરકારે પશુદીઠ સહાયની માંગ ન સ્વીકારતા ગાયો છોડવામાં આવી। બનાસકાંઠા પાંજરાપોળ ગૌશાળા પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો। સરકારે પશુદીઠ સહાયની માંગ ન સ્વીકારતા સંચાલકો આકરા પાણીએ। બનાસકાંઠામાં વખા અને ટેટોડા તેમજ શેરપુરા ગૌશાળાએ છૂટી મૂકી ગાયો। ધાનેરાની જીતગીરી ગૌશાળામાંથી છૂટી મુકાઈ ગાયો। જીવાણા રોડ પર પશુઓ સાથે સંચાલકો રોડ પર બેસી ગયા, ભારે ચક્કાજામના દ્રશ્યો સર્જાયા। બનાસકાંઠાના પાંજરાપોળ ગૌશાળા પર પોલીસનો બંદોબસ્ત, સહાયની માંગ સાથે સંચાલકોનું પશુ છોડો આંદોલન। જિલ્લાના 154 પાંજરાપોળ અને ગૌશાળા 70,000 પશુઓની હાલત કફોડી। મહામારીમાં દાનની આવક ઘટતા હાલત બની કફોડી। બનાસકાંઠાના કાંઠ પે પાંજરાપોળ પર પોલીસ સાથે સંચાલકોનું ઘર્ષણ, પશુઓ છોડવા મુદ્દે ઘર્ષણ સર્જાયું। સાબરકાંઠા હિંમતનગર શામળાજી હાઈવે નંબર 8 પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા। રાયગઢ ગામ પાસે ટ્રક બંધ પડી જતા ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો। 3 કિલોમીટર લાંબી વાહનોની લાંબી કતારો, જેથી વાહન ચાલકો થયા પરેશાન। સુરેન્દ્રનગરમાં ખેડૂતોએ તાલુકા પંચાયતની ઓફિસમાં ધામાનાખી ઉપવાસ આંદોલન છેડ્યું। લીંબડી તાલુકાના જાલિયાળા ગામના ખેડૂતો પાક નુકસાનના વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે। ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી ખેડૂતો મક્કમ। વિસાવદર નાની ચામંડ ગામે ખેડૂત પાક કાઢી નાખવા મજબૂર થયા। તીવ્રવૃષ્ટિથી પાકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું। કપાસ તેમજ મગફળીનો પાક નિષ્ફળ જતા પોતાના પાક પર ફેરવી દીધું ટ્રેક્ટર। સુરતના ડિંડોલી પોલીસની દાદાગીરીનો વીડિયો થયો વાયરલ। યુવકને જાહેરમાં રસ્તા પર સુવડાવીને માર મારતો વીડિયો વાયરલ। યુવકે પોલીસના સવાલોનો જવાબ ન આપતા માર મરાર। સુરતના રસ્તા ઉપર રખડતા પશુઓના ત્રાસથી લોકો ત્રસ્ત। રસ્તા વચ્ચે બેઠેલા પશુઓના કારણે થાય છે અકસ્માત। વરાછા, કાપુદ્રા, સરથાણા સાથે ભટારમાં પણ પશુઓનો ત્રાસ। શહેરના પોસ્ટ વિસ્તારમાં પણ પશુઓ રખડતા જોવા મળ્યા। યુનિફોર્મમાં લઈ ડીડીઓના કચેરી પહોંચ્યા વાલીઓ। ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ કરાતા વિરોધના સૂર, એટલું જ નહીં ફી નહીં ભરતા ગ્રુપમાંથી વાલીઓને કાઢી નખાયા। અમરેલીના જાફરાબાદ તાલુકાના બાલાની વાવ ગામ નજીક 3 સિંહોએ 1 ગાયનો શિકાર કર્યો। સિંહો ગાયનું મારણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે બાજુમાં બળદ સિંહોની રખેવાળી કરતો હોવાના દ્રશ્ય જોવા મળ્યા। આખો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ। દ્વારકાના જામ કલ્યાણપુર તેમજ પંથકમાં ભેંસોમાં રેડ્યુરિન નામના રોગનો ભરડો। 7-8 દિવસમાં 162 ભેંસોના મોત। દૂધ આપતી ભેંસોના મોત થતા પશુપાલકોની આજીવિકા પર માઠી અસર। કચ્છમાં વરસાદ બાદ ઘેટા બકરાને અજ્ઞાત રોગથી ટપોટપ મોત થતા માલધારીઓની ચિંતા વધી। પશુ ચિકિત્સકોની ટીમો બનાવી રોગચાળોગ્રસ્ત ભચાઉ, નખત્રાણા તેમજ ભુજના વિસ્તારોમાં ઘેટા બકરાના રોગની સારવાર શરૂ કરાઈ। સુરતના મહુવા તાલુકાના વેલણપુર ગામની નદી કિનારો જોવા મળ્યો દીપડો। તો વાડીઓમાં દીપડા પર કોઈએ હુમલો કર્યો હોય તેમ લંગડાતો હોવાનું જાણવા મળતા વન વિભાગે શરૂ કરી દીપડાની શોધખોળ। તો દીપડાને લઈને ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ। કચ્છના કુકમા ગામમાં તળાવમાં માછલી મૃત હાલતમાં જોવા મળી। અગમ્ય કારણસર માછલીના મોતને ભેટતા તળાવના કિનારે મૃત માછલી જોવા મળી। છેલ્લા 2 દિવસથી થઈ રહ્યા છે માછલીના મોત। વડોદરાના વાઘોડિયા ડભોઈ રોડ પર કોંગ્રેસી કાઉન્સિલરની સોસાયટીમાં પાણીમાં માછલી મળી આવી। કોંગ્રેસ કાઉન્સિલર અલકા પટેલની સોસાયટીમાં પીવાના પાણીમાં માછલી આવતા તંત્રની કાઢી ઝાટકણી। વીરપુર શેકવા ગામે જંગલી પ્રાણીએ 5 વર્ષના બાળકને ફાડી ખાધું। પરિવાર ખેતરમાં કામ કરી રહ્યો હતો તે દરમિયાન જંગલી પ્રાણીએ હુમલો કર્યો। સિંહણે હુમલો કર્યો હોવાનું વન વિભાગનું અનુમાન।
वडोदराना याकूतपुरामां घरमां घुसीने महिला पर फायरिंग, महिलाने घायल हालतमां होस्पिटलमां खसेड़ाई, मिलकतना झगड़ामां फायरिंग थयानी पोलीसने आशंका, बे राउंड फायरिंग करवामां आव्युं। अरवलीमां घर कंकासथी कंटाळेला पतिए पोतानी ज पत्नीनी हत्या माटे 2 लाखनी सोपारी आपी, पत्नी पर हुमलामां पतिनो पूछपरछमां भांडो फूट्यो, पोलीसे एक आरोपी पकड़ी पाड्यो तो 2 व्यक्तिओनी शोधखोळ शुरू कराई। सूरतना अमरोलीमां तस्करोए मचाव्यो तरखाट, तस्करोए अलग अलग 4 दुकानोमां लाखों रूपयानी चोरी करी, तमाम तस्करों कैद थया सीसीटीवी कैमरामां। सूरतनी खटोदरा पोलीसे हॉस्पिटलमां काम करती आयानी धरपकड़ करी, महिला पर कोरोना सारवार दरमियान मृत्यु पामनार महिलानी काननी बुट्टी चोर्यानो आरोप, अनेक दर्दीओना रूपया सहित मोबाइल चोरीनी वात पण आवी सामे। सूरतमां हत्यानो आरोपी देशी पिस्तोल साथे पकड़ायो, आरोपी वर्ष 2017मां जे व्यक्तिनी हत्या करी तेनो साळो मारी नाखवानी धमकी आपतो हतो, जेथी हत्याना डरे आरोपी महाराष्ट्रथी लाव्यो हतो हथियार। सूरतमां कोरी मालिके करेली आत्महत्या मामले रांदेर पोलीस स्टेशनमां पीआई तेमज राइटर सामे फरियाद, आत्महत्यानी दुष्प्रेरणानो गुनो नोंधायो, सुसाइड नोटमां पोलीस सहित अनेक नामोनो उल्लेख। मजूरोना घूंघरामणथी मौत मामले पोलीसे करी कॉन्ट्राक्टरनी धरपकड़, अटपलायंस पोलीसे कॉन्ट्राक्टरनी धरपकड़ करी, 7 सप्टेम्बरे पोलीस कॉन्ट्राक्टरनुं निवेदन लेवा माटे पोतानी साथे लई गई हती। सूरतमां थाईलेंडनी युवतीनी थयेल रहस्यमय मौतनी तपास माटे एसआईटीनी रचना, रूमनी बहार ताळू केम हतुं ते पण थियरी रूम, तो पार्टनरे करी रजू, मृतक युवतीनी रूम पार्टनरना निवेदनथी पोलीस वधु गूंचवाई। सूरतना डुमस रोड पर आवेल ओएनजीसी कॉलोनीमां युवकनो आपघात, 8मा माळनी बिल्डिंग परथी कूदीने आपघात कर्यो, युवकनो आपघात करवा पाछळनुं कारण अकबंध। सूरतना ओलपाडना तळाद गाम नजीक कारमांथी 1 पिस्तोल, 1 तमंचो, 2 रामपुरी चप्पू अने 7 जीवता कारतूस साथे 2 आरोपीओनी धरपकड़, गुनाने अंजाम आपे ते पहेला ज एसओजी पोलीसे धरपकड़ करी। सूरतना पालनपुर पाटिया नजीक कारमां आग लागता सर्जाई अफरातफरी, कार आगमां पड़ीने खाक, तो फायर ब्रिगेडे अंते आग पर मेळव्यो काबू। अमदावादना आनंदनगर रोड पर तस्करो बेफाम, धनंजय कॉम्प्लेक्सना बैंक ऑफ बड़ोडाना एटीएमने तोड़वानो निष्फळ प्रयत्न, तस्करोए एटीएममां पैसा न निकळता तोड़फोड़ करता 2.5 लाखनुं नुकसान, पोलीसे 3 आरोपीओने पकड़ी पाड्या। अमदावादमां रामोलमां लॉकडाउन दरमियान वतन गयेलो परिवार लूंटायो, परत आवता वृद्धा अने तेना पुत्रना 84 लाखना दागीनानी चोरी, रिक्षामां पेसेन्जरना स्वांगमां बेसेला शख्सोए दागीनानी चोरी करी। अमदावादमां सत्ताधार विस्तारनी प्रकाश स्कूलना शिक्षक छेतराया, क्रेडिट कार्डमांथी गठियाओए 1.30 लाख डेबिट करी लीधा, तो सोला पोलीसे आ मामले तपास हाथ धरी। वडोदरामां विदेशी दारूनो मोटो जत्थो झड़पायो, तरसाली हाईवे पासेथी मकरपुरा पोलीसे 24 लाखनी किंमतनो विदेशी दारू झड़पी पाड्यो, हरियाणाथी कंटेनरमां मंगावामां आव्यो हतो दारूनो जत्थो। वडोदरामां गोरवा विस्तारमां युवकनी हत्या, झूंपड़पट्टी विस्तारमां मजूरी काम करता राकेश परमानी तेना मित्रोए ज करी हत्या, वृक्ष कापवा बाबते झगड़ो थता तीक्ष्ण हथियारना घा मारीने हत्या करी देवाई। अमदावादमां बापूनगर पोलीसे अमेरिकन कंपनीना बनावटी मास्क वेचनार आरोपीनी झड़पी, दरमियान 42 नंग दारूनी बॉटल पण कब्जे करी, M3 कंपनीना 12 लाखनी किंमतना 4000 मास्क सहित 42 नंग दारूनी बॉटलो जप्त करी लेवाई। अमदावादमां गोमतीपुरमां रिक्षा चालक पर जीवलेण हुमलो, 4 युवको छरीना घा मारी फरार थया, रिक्षा चालकने गंभीर इजा थता सारवार माटे खसेडायो, गोमतीपुर पोलीसे हाथ धरी तपास। बनासकांठाना डीसाना अखोल पासे हिटअंडरनी घटना, राहदारीने अजाणा ट्रक चालक टक्कर मारीने फरार थयो, राहदारीनुं घटनास्थळ पर ज मौत थयुं, डीसा तालुका पोलीसे मृतकनी लाशने पीएम माटे खसेडी। ભાવનગર એસઓજીએ ગાંજાના જથ્થા સાથે 1 શખ્સની કરી ધરપકડ, 1 કિલો 20 ગ્રામ ગાંજા સાથે દલપત ભારતી ગોસ્વામીની ધરપકડ, એસઓજીએ NDPS હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી। સમાચારોમાં આગળ વધીએ તે પહેલા રોકાઈએ બ્રેક માટે। બ્રેકમાં સમાચારોમાં આગળ નજર કરીએ ગાંધીનગરમાં સીએમના નિવાસ સ્થાને ભાજપની બેઠક, સીએમ રૂપાણી અને પ્રદેશ પ્રમુખ પાટીલની બેઠક, વર્તમાન રાજકીય સામાજિક સ્થિતિ અંગે ચર્ચા, તો ચિંતન શિબિરને લઈને પણ ચર્ચા। રાજકોટની જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં વિરોધ, પ્રી ઓડિટના પરિપત્રનો સભ્યોએ વિરોધ કર્યો, ગામનું ઓડિટ તાલુકા કક્ષાએ કરાવવાનો કર્યો પરિપત્ર, સભ્ય ચંદુભાઈ ચિંગાળાએ પરિપત્રનો વિરોધ કર્યો। રાજકોટમાં ભાજપના પાટીદાર નેતાઓની બેઠક મળી, ભાજપના સંગઠનમાં પાટીદાર નેતાના પદે પદ મળે તેવા સૂર ઉઠ્યો, તો સરદારધામમાં કડવા લેવા આગેવાનો મળ્યા, જ્યારે હાર્દિક પટેલની ભાજપના નારાજ નેતાઓ પર નજર। દાહોદના જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીનું અવસાન, માંદગીના કારણે DPO DB પટેલનું સારવાર દરમિયાન અવસાન, શિક્ષણ વિભાગમાં શોકની લાગણી।
गांधीनगर में फरी गरमायो विद्या सहाय भर्ती मामलो। शिक्षित बेरोजगार समिति सभ्य और दिनेश बांभणिया सचिवालय में कमिश्नर शाला कचेरी रजूआत करी। पेट्रोल डीजल में छेतरामणी की घटना आवी सामे। ग्राहक सुरक्षा चेरमेन मोटो आरोप। एक लीटरे पेट्रोल पंप पर 20 ml थाय चोरी। पेट्रोल पंप पर थती चोरी ना आक्षेप साथ सीएम ने करी रजूआत। अरवली में कांग्रेस से पुलिस ने आप्यो आवेदन। जनता और भाजप पार्टी वच्चे नियमों में भेदभाव ने लेने रजूआत। भाजप प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल कार्यक्रम में सामिल थे लोगों ने लेने कांग्रेस आक्रमक। साबरकांठा तलोद में कपासनो पाक निष्फळ। पुत्रोली में कपासनो पाक निष्फळ जता खेडूतों में रोष। भारे वरसाद ने पगले पाक गयो निष्फळ। द्वारका में पाक निष्फळ जता खेडूत समिति 60 થી વધુ ખેડૂતોએ તાલુકા વિસ્તરણ અધિકારીને પાઠવ્યું આવેદન પત્ર। 25 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર નિષ્ફળ જતા વહેલી તકે સહાય આપવાની ખેડૂતોની માંગ। સુરેન્દ્રનગરના 4 તાલુકાઓના ખેડૂતોનું પાક નુકસાની યોજનાના સર્વેમાં બાદબાકી કરાતા હંગામો। ખેડૂતો જાતે પાક નુકસાનીનું ફોર્મ ભરવા આગેવાનો સાથે પહોંચ્યા તો પોલીસનો કાફલો પણ સ્થળ પર હાજર રહ્યો। सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत में 4 तालुका खेडूतों हंगामा मुद्दे सागर अबारी आक्षेप। खेतर में जई सर्वे करने बदले ऑफिस में सर्वे कर पाक नुकसान नहीं थूं जाहिर कर। अन्न नागरिक पुरवठा निगम चेयरमैन राजेश पाठक निवेदन। आ वर्षे मगफड़ी की खरीदी नागरिक पुरवठा निगम करते। गत वर्षे 51 करोड़ कमीशन सरकार द्वारा निगम ने मगफड़ी की खरीदी की कामगी। राजकोट में गोंडल यार्ड में नवा कपास की आवक। 15-20 भारी की आवक। मात्र 2 भारी कपास की हराजी करीने व्यापारियों नवा कपास की खरीदी श्री गणेश कर्या। नवा कपास की हराजी में सुकनना 20 किलो 2101 रूपया भाव बोलायो। जूनागढ़ में पाक नुकसानी की सर्वे की कामगिरी शुरू। भेड़ पंथक गामों में 18 टीम कर रही है सर्वे। तलाटी ग्राम सेवक और स्थानिक सरपंच ने साथ राखी सर्वे। महसूल विभाग ठराव मुजब पाक नुकसानी वर्तर आप। बनासकांठा जिला की गौशाला और पांजरापोर संचालकों पालनपुर कचेरी सामे धरना पर उतरिया। पांजरापोर पशुओं निर्वाह माटे सहाय न मळता धरना। कलेक्टर कचेरी नजीक सांसद परबत पटेल ने घेरवामां आव्या। वडोदरा में रस्ता पर पड़ेला खाड़ाओं ने लेने कांग्रेस विरोध। खाड़ाओ वच्चे नारियल फोड़ी अगरबत्ती करी विरोध दर्शाव्यो। वोर्ड नंबर 16 में यमुना मिल पास कांग्रेस विरोध कार्यक्रम। भारत चीन वच्चे वध्यो तनाव। 45 वर्ष बाद पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी नजीक भारत चीन सैनिकों वच्चे थयुं फायरिंग। भारत सीमा में चीनी सैनिकों पहला कर्युं हतुं फायरिंग तो हाल स्थिति नियंत्रण में। चीने फरी घुसणखोरी करने प्रयत्न कर्यो। सूत्रों मुजब पेंगोंग तड़ाव पास चीने घुसणखोरी करने की कोशिश की तो सामे ज भारतीय सेनाए चेतवनीरूप फायरिंग कर्युं। भारत चीन सैनिकों वच्चे थयेल फायरिंग मुद्दे सेना निवेदन। भारतीय सीमा में घुसणखोरी चीनी सैनिकों कर्यो प्रयास। भारतीय सीमा में आवी चीनी सैनिकों पहला हवा में कर्यो हतो राउंड फायर। चीनी सेनाए फॉरवर्ड पोजिशन पर कब्जो करने की कोशिश की। भारतीय सैनिकों तेमने रोकता चीनी पीएलए हवा में राउंड फायर कर भारतीय सैनिकों ने डरावा प्रयत्न कर्यो। भारतीय सेनाए पण जवाबी कार्यवाही करी। मनाली में कंगनाना घर बहार वाई प्लस सिक्योरिटी कराई तैनात तो वाई श्रेणी की 11 सभ्य की टीम संभाले मोर्चो। कंगना ने केंद्र सरकार तरफ की वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कराई। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किल वधी। बीएमसीए बांद्रा की ऑफिस पर अवैध निर्माण की फटकारी नोटिस तो शिवसेना आईटी सेले पुलिस में देशद्रोह की फरियाद करी। कंगना पर शिवसेना पलटवार। कंगना विरुद्ध देशद्रोह की फरियाद तो नोधाई साथ ज सामना में लख्यू के मुंबई और पुलिस नो अपमान करनारी महिला ने महाराष्ट्र में रहेवानो अधिकार नथी। भारत और चीनी वच्चे द्विपक्षीय बैठक नक्की। जारे बन्ने तरफ थी समय और तारीख हजू नक्की नथी थई। आ मीटिंग 10 सप्टेम्बरे थवानी शक्यता। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिवस मॉस्को प्रवासे। अध्ययन सुमने एक इंटरव्यू दरमियान कंगना पर लगवा मोटो आरोप। कहू कंगना पण ले छे ड्रग्स। अमारी रिलेशनशिप दरमियान कंगना मने पण ड्रग्स लेवा माटे दबाण करती हती। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजियो अध्ययन खास उमरना कंगना विषय निवेदन मुद्दों। महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुखे कहूं कि कंगना सामे मुंबई पुलिस करशे तपास। ड्रग्स लेवा मामले मुंबई पुलिस करशे तपास। ड्रग केस में एनसीबी की मोटी कार्यवाही। पूछपरछ में रियाए स्वीकार्य के लेती थी ड्रग्स। एनसीबीए तैयार कर डोजेर। 25 बॉलीवुड हस्तियों नाम पण तेमां शामिल। एनसीबी की पूछपरछ दरमियान रियाए अनेक बॉलीवुड हस्तियों नाम लीधा। एनसीबीए तमाम ने सुमन मोकली समन मोकलवामां आव्या अने पूछपरछ माटे पण बोलावशे। 25 बॉलीवुड हस्तियों लिस्ट ने सीनियर अधिकारियों ने मोकलवामां आव्यु। एनसीबीए कर्यो खुलासो। 2017 थी एक्टिव हती रियानी ड्रग्स मंडली।
फोरेन्सिक तपास में बॉलीवुडना अनेक मोटा चेहरा नाम पण आव्या सामे। रियाना घरे थी मळेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा थयो पर्दाफाश। रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह राजपूत की बे बहनों सामे नोंधावी फरियाद। प्रियंका सिंह और मितु सिंह विरुद्ध सुशांत सुसाइड माटे उकसावानी नोंधावी फरियाद। रियाए सुशांत की बहनों सामे आईपीसी कलम 420 464 खोटा दस्तावेज बनावा 465 466 468 474 306 और 120 अंतर्गत नोंधावी एफआईआर। मुंबई पुलिस बार कलाक की अंदर ज रिया की एफआईआर नोंधी लीधी। कंगना रनौत ने अपायल वाइस रणनीति सुरक्षा बाबते दलेर मेहंदीए कर्यू समर्थन। कहूं वाइस सिक्योरिटी मात्र नेता अने मोटा लोको माटे नथी, कलाकारों ने पण मळवी जोईए सुरक्षा, तो लोकोने कंगनानो साथ आपवा अपील करी। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ने लोन आपवा मामले ईडीए दीपक कोचर की धरपकड़ करी। आईसीआईना पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर पति छे दीपक कोचर, गैरकायदे रीते लोन आपवानी चाली रह्यो छे। अखिलेश यादव ना केंद्र सरकार पर प्रहार। आरोग्य सेतु प्रोजेक्ट द्वारा लोको पासे थी माहिती मेळवा छता सरकार कोविड 19 ने रोकवा में निष्फळ गई, परिणामे दर्दियों की संख्या में भारत बीजा क्रमे। जीएसटी लागू करता समय करेला वायदाओ करवामां आवे पूरा, सीएम गहलोत और पीएम मोदी ने चिट्ठी लखीने जणाव्युं। तो कहूं अर्थव्यवस्था मैनेजमेंट की जवाबदारी केन्द्रनी। पीएम मोदीए डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने आपी शुभेच्छा। डीआरडीओए हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट नु कर्यु सफल परीक्षण। आ फ्लाइट की गति अवाज की गति करता 6 गणी वधु, विश्वना बहु ओछा देशों पासे छे आ प्रकार की क्षमता। अनलॉक 4 की गाइडलाइन हेठ 1 सप्टेम्बरे सिकंदरा फतेहपुर सिकरी और इतमुलादू सहित नाना स्मारकों खोलवामां आव्या। हवे 21 सप्टेम्बर थी ताजमहल पण खुलशे। मास्क और सोशल डिस्टन्सिंग पालन करव जरूरी। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली में कार्यवाही। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ना नाम पर करोड़ों की ठगाई। अंतरराज्य गैंग ना मास्टरमाइंड सहित 6 लोगों की धरपकड़। अजमेर ना एमडीएस यूनिवर्सिटी में लांच कांड नो पर्दाफाश। ईसीबी ना हाथे चढ़या वीसी सहित 3 लोगों, 2,20,000 रूपया जप्त कर लेवाया। नवी दिल्ली सहित नांगलोई विस्तार में भारी वरसाद खाबक्यो। अचानक वरसाद की गर्मी में लोगों ने राहत मिली, जो कि धोधमार वरसाद ने कारण ठेर ठेर रस्ताओ पर पानी भराया। अमरावती जिला में वावाझोड़ा साथ वरसाद खाबक्यो। सोयाबीन लीला चना और अड़दना पाक ने असर थवानी संभावना। छेल्ला 24 कलाक में देश में कोरोना 75,809 केस नोंधाया। 1,133 दर्दीओना कोरोना की मौत निपजा। देश में कोरोना कुल 42,80,422 केस, कुल 72,775 मौत थया। राजस्थान में बेकाबू महामारी की रफ्तार तेज। छेल्ला 24 कलाक में 1,580 नवा केस नोंधाया, जारे कि 14 ना मौत निपजा, तो अत्यार सुधी में 1,151 लोगों जीव गुमाव्या। आ साथ जो बुलेटिन में अत्यारे बस आटलू ज। नमस्कार।